विकास और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज नोएडा देश के बड़े शहरों को भी टक्कर दे रहा है। यहाँ बसी इंडस्ट्रीज और नौकरियों के बेहतर मौके के कारण बीते कई सालों में पढ़े लिखे मध्यम और उच्च मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा और कारोबारी लोग बड़े पैमाने पर नोएडा में आकर बस रहे हैं। कुछ ने तो नोएडा की तरक्की का सफर अपनी आंखों से देखा है। उन्हीं में से एक है माला टंडन, जिन्होंने नोएडा की वो तस्वीर देखी है जो आज से बिल्कुल अलग हुआ करती थी। 20 साल पहले माला अपने परिवार के साथ ग्रेटर कैलाश से नोएडा शिफ्ट हुई। पति की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोएडा में ही है। इनके बच्चों की पढ़ाई भी नोएडा में ही पूरी हुई। शुरुआत में इन्हें कुछ दिक्कतें हुई, लेकिन आज इन्हें दिल्ली से नोएडा शिफ्ट होने के अपने फैसले पर गर्व है। They've planned it in such a way that it doesn't become a concrete jungle. So you still have development, you have industry, you have it in different pockets, you have, you know, various income houses for various income levels as well. And yet the open spaces have been maintained. So I think that's part of the planning that has gone into Noida. And it's maintained. You get everything in Noida. I really don't need to. Initially, I remember my husband had to go into Delhi to buy every spare part for any machine or anything like that. I had to go to Janpur to pick up gifts, but now everything is available here and I'm really happy. लेकिन ऐसा नहीं कि नोएडा में सिर्फ ऐसे लोग हैं जो यही काम या नौकरी करते हैं। अब मिलिए ललित मेहता से। ये 15 साल से नोएडा में रहते हैं। ये और इनकी पत्नी विदुषा मेहता मिलकर एड एजेंसी चलाते हैं। पहले इनका घर दिल्ली में था और एड एजेंसी का दफ्तर ईस्ट कैलाश में। 15 साल पहले ये अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ शिफ्ट हो गए, लेकिन इनकी एड एजेंसी का दफ्तर दिल्ली में ही बना रहा। लेकिन दिल्ली के पॉश इलाके को छोड़कर एक नए शहर में बसने के अपने इस फैसले से परिवार को भी कभी कोई शिकायत नहीं हुई। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, देन अप्रोच इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, वेदर यू आर कमिंग फ्रॉम कालिंदी साइड और यू आर कमिंग फ्रॉम डीएनडी, ईदर वे इट इज इजीली अप्रोचेबल. And you're much better off. Like Delhi offices are problematic. You know, there's always a fear if it is not in a proper area that ceiling is going to go on. एक साल पहले मेहता परिवार ने अपना दफ्तर भी नोएडा में शिफ्ट कर लिया। शुरुआत में हालांकि अपने इस फैसले पर ये परिवार थोड़ा असमंजस में था। इनकी एड एजेंसी में कई कर्मचारी ऐसे हैं जो दिल्ली से नोएडा आकर काम करते हैं, लेकिन नोएडा के तेजी से डेवलप होते इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो की शुरुआत ने इनका काम और ट्रैवलिंग दोनों को आसान कर दिया है। Was the main concern, because South Delhi was South Delhi, all right, but then to live in a smaller house is quite different from living more comfortably. Noida could offer larger spaces for the same kind of money. Many years back it seemed difficult and it was kind of inhibiting to set up business in Noida, because you were not sure if you will get people coming and working for you here. Today, at all levels, people are willing to come and work here. The support system is in place. People are willing to travel, thanks to metro. People come, some of our people come almost 50, at least 40 kilometers every day. They come and work from various places. So, and they get here in, I don't know, just over an hour. So things have changed. Metro has changed everything. ललित मेहता की बेटी गौरी जयराम भी एक मीडिया प्रोफेशनल है। ये अपने पिता के एड एजेंसी के कारोबार में हाथ बटाती हैं। गौरी का मानना है कि दिल्ली से नोएडा शिफ्ट होने के फैसले से उन्हें काफी फायदा हुआ है। एड एजेंसी का दफ्तर नोएडा शिफ्ट होने से इनके क्लाइंट्स को कोई शिकायत नहीं है, साथ ही दिल्ली की भीड़ भाड़ से निकलकर नोएडा में इन्हें ज्यादा बड़ी और खुली जगह में रहकर काम करने का मौका मिल रहा है, वो भी दिल्ली जैसी सभी सुविधाओं के साथ। Business has been good, there's no problem. Yes, there were those questions when we were moving, that is this a right decision, are we doing the right thing by moving an ad agency, you know, from the heart of South Delhi to Noida. But yes, I think, actually I would say the business is booming as far as I'm concerned. I it's not that my clients are suffering or my work is suffering or I have problem getting people, nothing of that sort. नोएडा बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे नौकरी पेशा और प्रोफेशनल्स की पसंद बन चुका है। कुछ ऐसी ही कहानी है अमित गुंद की। अमित ओखला में एक पीआर फर्म में काम करते हैं।
अपने दफ्तर के करीब रहने की चाहत अमित को गुड़गांव से नोएडा ले आई। अमित नोएडा में रहकर फोटोग्राफी क्लब भी चलाते हैं। जैसे जैसे नोएडा में लोगों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके क्लब के मेंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अच्छी नौकरी के साथ रहने की बेहतर जगह और अपनी फोटोग्राफी के शौक को पूरा करने का ये मौका उन्हें शायद ही कहीं और मिल पाता। I already, own this house, this apartment that I live in. So there I used to be in a rented accommodation. So one's own house is always better. You know, I can do my stuff here and furnish it the way I want to. So primarily that. And of course, you know, the place is greener, the roads are better, warm people around. नोएडा में कमर्शियल स्पेस के साथ साथ रेजिडेंशियल स्पेस भी काफी तेजी से डेवलप हुआ है। मिलिए पवन बीर आनंद से, जो नोएडा में पिछले 15 सालों से रह रहे हैं। पवन अपने सेक्टर में सबसे पहले आने वाले लोगों में से एक हैं। पवन यहां अपनी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी चलाते हैं। नोएडा में रियल एस्टेट सेक्टर को जैसे जैसे बूम मिला, उनका बिजनेस भी अच्छा खासा चल पड़ा और आज पवन भी अपने दिल्ली छोड़कर नोएडा में बसने के फैसले से खुश हैं। My children were young and I had gone to Gurgaon. The school was more towards Delhi and Noida is more well connected to Delhi than Gurgaon is. So accessibility to Delhi from Noida was better. That is why I chose Noida. 15 years, we have 4 bridges connecting Noida. We have these malls coming up. So many sectors have been developed. And the population, when we came 15 years ago, I think that time it was 3 lakhs. Now it is more than 7 lakhs, it's doubled. ये तो रही बात उन professionals और नौकरी पेशा लोगों की जो अपने काम के चलते दूसरे शहरों से आकर नोएडा में बस गए। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद विकास की रफ्तार के बीच शांति की जिंदगी बिताने के लिए नोएडा को चुना। बीते 15 सालों में नोएडा ने तरक्की की जो कहानी लिखी है वो अपने आप में लाजवाब है। लगातार बढ़ता और विकसित होता ये शहर आज प्रोफेशनल्स और कारोबारियों की पसंद बन रहा है, लेकिन तरक्की की इस रफ्तार में सुकून की भी अपनी जगह है। विकास के नए आयाम बनाता ये शहर रिटायर्ड लोगों की भी पसंद बन रहा है। नोएडा में ऐसे कई लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद यहां आकर बस गए हैं ताकि यहां के साफ सुथरे वातावरण और बड़े शहरों की भाग दौड़ से दूर अपनी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी सुकून से बिता सके। नोएडा इज वेरी ग्रीन, इट इज गुड, रोड्स आर वेरी फाइन, तो इसलिए हमने इसको नोएडा को पसंद करा। यू डोंट हैव एनी ह्यू एंड क्राई हियर, एवरीथिंग इज काम एंड क्वाइट। आई हैव अ हाउस इन दिल्ली, बट आई प्रेफर टू कम टू नोएडा। काफी हरा भरा, दिल्ली में काफी कंजेस्टेड है, वहाँ पे तो बस समझिए बहुत ही लाइफ बहुत ही मुश्किल है। दिल्ली में तो यहाँ पे अच्छा है, सबको लगता है। तेजी से बढ़ती कारोबारी और व्यवसायिक गतिविधियों के बीच बढ़ी लोगों की संख्या ने नोएडा में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट को काफी सहारा दिया है। जैसे जैसे लोग यहाँ आकर बसते जा रहे हैं, वैसे वैसे घरों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में यहाँ रिहायशी इमारतों के निर्माण में काफी तेजी आई है। इसी जरूरत ने नोएडा के पास ही एक नए एरिया को जन्म दिया जिसे ग्रेटर नोएडा के नाम से जाना जाता है। ग्रेटर नोएडा एक अल्ट्रा मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। यहाँ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मुताबिक बने घर और रिहायशी इमारतें हैं। अच्छे स्कूल, कॉलेज, मार्केट, अस्पताल जैसी सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। नोएडा की लगातार बढ़ती यंग पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी लगातार डेवलप हो रहे हैं और नोएडा में ही बसा है देश का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी। Every week we come here and do shopping. So GIP is the hot spot and we do all our monthly shopping from there and all my, all my wear, day-to-day wear is all from GIP itself. For her future and for our future, we are investing over here in Noida so that we have a bigger spacious flat over here. And we would like to stay over here in the future. This GIP, like, it's the second home to us. Whenever we are like getting bored, so we come over here. There's a GIP, CSM, a new DLF is building a new mall over here. So GIP being the most happening place in Noida, and there are most of the companies, brands, and all of them exist over here. So it's a nice place to hang out. As of now, Noida is
very near to my residence. So on weekends, we come over, especially to Great India Places, just to have fun, enjoy with my daughter here, to just roam around the place. It's better, actually. It's like, it's everywhere, a lot many changes are there. Yeah, cities are roadsides or food types. Like Delhi is where it's a foodaholic people. So Noida is also good for food side also. Shopping is where we are able to shop everywhere in the malls. Malls are very, very good as compared to Delhi malls. So I like it. लेकिन इन सारी सुविधाओं के अलावा जो चीज लोगों को नोएडा की तरफ खींच रही है वो यहाँ का साफ सुथरा वातावरण। तरक्की की रफ्तार के बीच भी नोएडा में पर्यावरण और साफ सफाई का काफी ख्याल रखा गया है। नोएडा को सुनियोजित ढंग से बसाने के लिए की गई प्लानिंग यहाँ हर तरफ नजर आती है। इंडस्ट्रियल पार्क और रिहायशी इमारतों के बीच हरियाली की भी अपनी जगह है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साफ सफाई के मामले में नोएडा पूरे देश में 17वें स्थान पर आता है और NCR का सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है। नोएडा में काफी हरियाली है, काफी आप देख सकते हो। सेक्टर 58 के आसपास चले जाओ और DND साइड में चले जाओ तब भी आपको मिल जाएगी, और ग्रेटर नोएडा की तरफ जाएंगे तब भी आपको मिलेगी। तो ऐसा कुछ हरियाली तो अच्छी है यहाँ पे। आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट नोएडा इज दैट इट्स स्पेशियस, लाइक इट्स नॉट डेंसली पॉपुलेटेड, लाइक देयर आर there is population but it's easily scattered, like it's not you don't get caught in traffic jams. That's the best part about Noida. Program ke agle hisse mein aapko rubaru karayenge Noida ke food culture. नोएडा की बिल्डिंग, मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के अलावा भी कई चीजें हैं जो इसे बाकी शहरों की भीड़ में अलग करती हैं। शहर की अप मार्केट और कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल के मुताबिक नोएडा में वर्ल्ड क्लास स्पोर्टिंग फैसिलिटी डेवलप की गई है। नोएडा में बन रही है स्पोर्ट्स सिटी। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के सबसे खास आकर्षण यानी भारत के पहले Formula 1 सर्किट की, जो कि ग्रेटर नोएडा में मौजूद है। इस सर्किट को बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। 874 एकड़ इलाके में फैला यह सर्किट 5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। यहां 1,10,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। अक्टूबर 2011 में शुरू हुए इस सर्किट में इंडियन फॉर्मूला 1 रेस को होस्ट किया जा चुका है। इसके अलावा यहाँ गोल्फ क्लब भी है। करीब 135 एकड़ में फैले JP ग्रीन गोल्फ क्लब में गोल्फ टूर्नामेंट्स भी होते हैं और गोल्फ सीखने की चाहत रखने वालों के लिए गोल्फ ट्रेनिंग एकेडमी भी है। सेक्टर 38 में नोएडा गोल्फ क्लब भी है, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया है। ये गोल्फ कोर्स 1989 में बनाया गया था। इसके अलावा नोएडा में हाफ मैराथन और रोड रेस जैसे कई आयोजन पहले भी हो चुके हैं। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की साइकिल रेस भी NGN एक्सप्रेसवे पर रखी गई। 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ में क्वींस बेटन रिले का आयोजन भी नोएडा में हुआ। जाहिर है नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी गई। खेल सुविधाओं के मामले में भी ये बात लागू होती है। यहाँ की चौड़ी सड़कें और साफ सुथरा पर्यावरण हर चीज बेमिसाल है, जो कि स्पोर्ट्स इवेंट के लिए है परफेक्ट। ब्रिगेडियर चिमनी हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य रह चुके हैं। मिलिट्री की नौकरी के बाद अब रिटायर होकर नोएडा में रहते हैं। खुद एक खिलाड़ी रह चुके ब्रिगेडियर चिमनी का मानना है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए नोएडा में मौजूद सुविधाएं वाकई काबिले तारीफ हैं। नोएडा हैज अ स्टेडियम कॉल्ड नोएडा स्टेडियम व्हिच हैज मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज। दे आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वन मोर न्यू स्टेडियम इन द लैंड अवेलेबल टू देम। And as far as land is concerned, there is no dearth of land now. Number two, the big advantage is that all the schools that came up in Noida, they had a lot of land, and they were practically all schools have grounds. So if you really want to make Noida as a sports hub and want to encourage sports at younger level, there is a scope. जाहिर है नोएडा में मौजूद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के पीछे लाइफस्टाइल टाउनशिप डेवलप करने के अलावा एक बड़ी वजह शायद यहाँ की यंग पॉपुलेशन भी है, जो कि आमतौर पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। रेस हेल्थ एंड फिटनेस
बिजनेस का संदेश देने के साथ साथ कम्युनिटी बिल्डिंग के लिहाज से भी काफी अच्छी मानी जाती है और यही वजह है कि TV18 और सुपरटेक ने नोएडा में 10K रन का आयोजन किया है। हिसाब से नोएडा की जो लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी कंपनी ने ये इनिशिएटिव लिया है और एक एक आप साल में किसी एक इवेंट की ओर देखते हैं कि आप जैसे आप न्यू ईयर के यू लुक फॉरवर्ड टू अ न्यू ईयर, उसी तरह ये एक इवेंट एक बड़ा इवेंट बनेगा आगे चल के और यही है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा इससे फिटनेस के बारे में और इट्स अ कम्युनिटी बिल्डिंग। तो नोएडा में एक चीज़ होगी कि जो नोएडा के लोग हैं दे विल बी प्राउड टू से कि ये हमारा इवेंट है, ये हमारे टाउन का इवेंट है और ब्रिंग एवरीबॉडी टुगेदर। 10K मैराथन टाइप ऑफ एक्टिविटी इज वेरी वैल्यूएबल एंड आई थिंक इट प्रोजेक्ट्स नोएडा एक्सट्रीमली वेल एंड इट एक्चुअली विल टाई इन टू दिस होल होल एटमोस्फियर दैट्स बीन क्रिएटेड इन नोएडा अबाउट आईटी कंपनीज एंड अ लॉट ऑफ आईटी यंग पीपल इन आईटी वांट टू हैव बेटर एंड हेल्थियर लाइफस्टाइल्स। 10 किलोमीटर की रेस रविवार 8 जुलाई 2012 को नोएडा में होगी। रेस सुबह 6 बजे शुरू होगी। 10K रन की शुरुआत होगी नोएडा सेक्टर 21A के रामलीला ग्राउंड से। यहां से सेक्टर 31 और सेक्टर 36 के रास्ते नोएडा गोल्फ क्लब जाएगी और वहां दादरी रोड होते हुए शिवालिक मार्ग के रास्ते वापस रामलीला ग्राउंड पर आकर खत्म होगी। पार्टिसिपेंट्स के लिहाज से इस रेस को एलीट 10K, एमेच्योर 10K, कॉर्पोरेट 7K, फन रन 5K जैसी चार कैटेगरीज में बांटा गया है। एलीट और एमेच्योर रन 10 किलोमीटर की होगी जिसमें भाग लेंगे प्रोफेशनल एथलीट्स प्राइज मनी के लिए। तीसरी कैटेगरी में कॉर्पोरेट रन जो कि 7 किलोमीटर की होगी, ये रन कॉर्पोरेट टीम्स के लिए है जिसमें 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोग भाग ले सकते हैं। वहीं फन रन होगी 5 किलोमीटर की जिसमें 12 साल से ऊपर के सभी लोग भाग ले सकते हैं। और जानकारी के लिए आप 10K रन की वेबसाइट www.noida10k.in पर भी जा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी दौड़ के लिए जो होगी नोएडा की तरक्की और कामयाबी के नाम यानी 10K रन, क्योंकि अब नोएडा भी दौड़ेगा।